हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। आई होप यू गाइज हैव सीन द लास्ट लेक्चर एंड यू गाइज हैव मस्ट लाइक द लेक्चर। टुडे सैटरडे एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। टुडे वी आर गोना डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन टू वेरी बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, दैट इज अ फ्यूज एंड अ सर्किट ब्रेकर। अंडर दिस टॉपिक वी गोना डिस्कस व्हाट इज अ फ्यूज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट एंड what is the working principle of a fuse. Thereafter, we will discuss what is a circuit breaker, what are the types of circuit breaker, what is the working principle of a circuit breaker and how it works in a circuit. And thereafter, we will discuss what are the differences between a fuse and a circuit breaker. And at last, we will discuss important questions throughout the topic as usual. And then, let's start the topic. So, let's begin with fuse versus circuit breakers. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज अ फ्यूज। फ्यूज एक ऐसा डिवाइस जिसका नाम आपने अपनी आम तौर की रोज की जिंदगी में सुना ही होगा कि फ्यूज हमारा फ्यूज हो गया है, उसको चेंज करने की जरूरत है, हमने वहां पे फ्यूज लगा दिया है ताकि कोई डैमेज ना हो। तो ऐसी टर्म्स आप रेगुलर लाइफ में अपनी सुनते रहते हो कि फ्यूज हम यूज कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये फ्यूज है क्या। तो फ्यूज हमारा एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट्स from overcurrent and overload situations to ensure the protection of the circuit. तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारा overcurrent, मतलब कि जब एक certain amount of prescribed limit से current हमारा जब ज़्यादा आता है, उस situation से बचाने के लिए हम fuse को use करते हैं, या किसी केस में overloading हो जाती है। Overloading means कि आपके एक, मान लीजिए आप एक extension board use कर रहे हैं, उस पर 16 ampere current की limit है, 16 एम्पियर करंट की लिमिट है। तो अगर आप बाई चांस उस एक्सटेंशन पे वी सपोज दैट वी डिवाइड वी अटैच फोर डिवाइसेस एंड दैट करंट लिमिट एक्सीड्स 20 एम्पियर्स, तो दैट इज द ओवरलोडिंग सिचुएशन। अगर हम उस पे प्रिस्क्राइब लोड से ज्यादा लोड डाल रहे हैं, उस ओवरलोडिंग के कारण हमारा ओवर करंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उस केस में भी हमें फ्यूज की जरूरत पड़ेगी उस डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो अदरवाइज किसी डिवाइस में हमारा करंट एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं, तो करंट हमारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज हम एक्सटेंशन बोर्ड में डाल देते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फ्यूज। अब जो हमारा फ्यूज था वो इन्वेंट करा था थॉमस अल्वा एडिसन ने इन 1980s। हमारे ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब भी डिजाइन करा था। थereafter जब हमारा जो फ्यूज है इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जैसा कि आप इस सिंबल्स में देख पा रहे हैं कि ये हमारे बेसिक सिंबल्स हैं फ्यूज के, जिसमें आप ये गोल गोल देखें तो ये एंड कनेक्टर्स हैं, जिसमें आप अगर आपने फ्यूज देखा हो, ये वाला फ्यूज देखें तो ये दो मेटल पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये एंड कनेक्टर्स हैं जो कि हम एक डिवाइस में डालते हैं तो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। एंड इसके अंदर जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि वायर कनेक्टेड होती है, तो जब फ्यूज हो जाते हैं हमारा तो ये वायर ब्रेक हो जाती है, तो कनेक्शन टूट जाता है सर्किट का। तो दिस इज दी जो वायर है इसको हम फ्यूज एलिमेंट कहते हैं, यही हमारा बेसिक वर्किंग होती है, वर्क करने वाला एलिमेंट यही होते हैं फ्यूज के अंदर। तो ये फ्यूज एलिमेंट, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी फ्यूज की। और ये जो वायर होती है वो बहुत ही लो रेजिस्टेंट मेटल की बनी होती है, और जो जिसके अंदर इसको इनक्लोज करा जाता है वो नॉन कम्बशेबल मटेरियल का बना होना चाहिए, ताकि इन केस जब ये वायर हमारी ब्लो अप होएगी तो अंदर आग ना लग जाए, कोई और डैमेज ना हो। तो नॉन कम्बशेबल एनवायरमेंट में ये हम फ्यूज को, फ्यूज की वायर को अंदर लाने की, फ्यूज एलिमेंट को इनक्लोज करके रखते हैं। तो अगर हमने एक डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है और उसके रास्ते में फ्यूज लगाना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जब ओवर करंट आया फ्यूज डिस्कनेक्ट हो, फ्यूज वायर टूट जाएगी और वो हमारा सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होगा जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी देखेंगे थोड़ा डिटेल में। तो उसको हम फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फ्यूज को सिलेक्ट करते टाइम उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिमाग में रखने की जरूरत है। करंट रेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक 16 एम्पियर क्या कहते हैं सर्किट के लिए फ्यूज लेने जा रहे हैं, तो यू विल चूज अ फ्यूज हूज करंट वैल्यू, करंट लिमिट शुड बी मोर देन 16 एम्पियर। सो दैट अगर एक तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो हमारे
प्लस माइनस 5 to 10% वोल्टेज पे भी काम करने के लिए बने होते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा कम ज्यादा करंट भी हैंडल कर सकते हैं। तो जब हम उसकी करंट कैपेसिटी या करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज डिसाइड करेंगे 16 एम्पियर सर्किट के लिए, तो दैट विल बी मस्ट मी ग्रेटर देन 16 एम्पियर। सो 20 एम्पियर फ्यूज हम लगा सकते हैं उसकी जगह, 16 एम्पियर करंट भी लगा सकते हैं, बट जैसे ही 16 एम्पियर रीच होएगा वो कट कर देगा सर्किट को, जो कि हम नहीं चाहते। तो 16 एम्पियर से ज्यादा हम करंट फ्यूज की करंट रेटिंग रखेंगे उस केस में। दैफ्टर कम्स द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द फ्यूज। नाउ वोल्टेज रेटिंग ऑफ द फ्यूज डिसाइड्स कि हम किस टाइप ऑफ सर्किट में लगाना चाह रहे हैं, वेदर इट इज द सिंगल फेज सर्किट, वेदर इट इज द थ्री फेज सर्किट। तो अगर सिंगल फेज सर्किट है तो हम 230 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग का फ्यूज लेंगे, अगर थ्री फेज सर्किट है तो 420 या 430 वोल्ट की वोल्टेज रेंज का हम फ्यूज सिलेक्ट करेंगे उस सर्किट में अटैच करने के लिए। दैफ्टर कम द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज। नाउ दिस इज द व्हाट इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी इज कि वो कितने वॉट्स का जो हमारा डिवाइस कनेक्टेड है उसको ब्रेक कर सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज। तो हमें ये देख के सिलेक्ट करना होगा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला फ्यूज हम लेके आए, कि वो ज्यादा से ज्यादा हैवी अगर डिवाइस भी हम कनेक्ट कर दें सर्किट में तो उसको भी ब्रेक करने की कैपेसिटी वो फ्यूज रखता हो। तो दिस इज अ वेरी मेजर कॉम्पोनेट वाइल सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ फ्यूज वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन आवर हाउसेस। दैफ्टर कम द आई स्क्वायर टी वैल्यू ऑफ द फ्यूज। अब जी जो आई स्क्वायर टी वैल्यू है ये एक कर्व फॉर्म करते हैं कि मतलब कितना आई स्क्वायर टी मतलब डिपेंड ये डिसाइड करेगा कि जितनी ज्यादा आई स्क्वायर टी वैल्यू होगी उतने कम टाइम में वो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमें इंश्योर करना है कि वो करंट की आई स्क्वायर टी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारा सर्किट को ब्रेक करके सेफ्टी इंश्योर कर दे। तो आई स्क्वायर टी जो वैल्यू है अब ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे हमारा फ्यूज वायर पुरानी होती जाती है। सपोज आपने आज की डेट में फ्यूज अपने घर में इंस्टॉल करा और एक साल, लेट अस कंसीडर एक साल तक आपके घर में कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई ओवरकरंट सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई और आपका फ्यूज वैसे का वैसे इंटैक्ट पड़ा है। अब जो डेट जिस दिन को आपने इंस्टॉल करा था और जिस दिन एक साल बीत चुका है उस टाइम पीरियड के अंदर जो एक करंट जो फ्यूज की वायर है उसकी एज एक साल बढ़ चुकी है। तो जब जैसे जैसे एजिंग बढ़ती रहती है वायर की वो उसकी क्वालिटी डिटोरिनेट होती रहती है। तो डिटोरिनेट होती रहती है तो आई स्क्वायर टी वैल्यू फर्क पड़ता है, तो हमारी फ्यूज की परफॉर्मेंस भी डिटोरिएट होती रहती है उसके साथ साथ। तो वी नीड टू इंश्योर दैट इफ द फ्यूज इज इंटैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी मस्ट चेंज द फ्यूज एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू फ्यूज सो दैट इट विल द फंक्शनैलिटी ऑफ फ्यूज विल नॉट डिटोरिएट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर डिवाइसेज मस्ट बी इंश्योर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देन आफ्टर द रेटेड वोल्टेज ऑफ फ्यूज। जो रेटेड वोल्टेज ऑफ फ्यूज है हमारी वो डिसाइड करेगी कि वो कितने वोल्टेज रेटिंग तक हमारा काम करेगा। तो ये हमारी सब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज है जो हमें देखनी चाहिए एक फ्यूज को सिलेक्ट करने से पहले। अब आप घरों में जनरली आपने ये दो टाइप ऑफ फ्यूजेस पक्का देखे होंगे, ये वाला फ्यूज जो हम इन्वर्टर में डालते हैं या हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में डालते हैं, और ये वाला फ्यूज रीवायरेबल फ्यूज होता है जो जिसके इन दो कॉन्टैक्ट्स के अंदर हम वायर दोबारा रीवायर कर सकते हैं। ये वाले फ्यूज आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में लगे होते थे पुराने टाइम में जब हम MCBs नहीं लगाते थे, तब ये वाले रीवायरेबल फ्यूजेस आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में प्रेजेंट होते थे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में के बारे में जानना है तो हमारे दो लेक्चर्स हैं, सिंगल फेज मीटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लेक्चर नंबर 6 एंड थ्री फेज मीटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लेक्चर नंबर 7, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये वाला जो फ्यूज है, ये वाला फ्यूज हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं कि बाय चांस ऑटोमोबाइल्स में ओवरकरंट सिचुएशन आए तो उसको कट करने के लिए ये हमारे फ्यूजेस प्रेजेंट होते हैं। ये भी डिफरेंट करंट रेटिंग्स के हिसाब से हमारे डिजाइन किए जाते हैं। नाउ हाउ फ्यूज वर्क्स। अब जो हमारा फ्यूज है वो वर्क करता है हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ा है कि जो हमारा करंट है उस वो दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लाइट एंड हीट। ओके, तो जैसे आपने बल्ब देखा होगा तो उसमें जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसमें लाइट आती है, अगर उसको आप थोड़ी देर बाद बंद करोगे तो वो गर्म हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं हमारा करंट। तो जो हमारा फ्यूज का बेसिक फंक्शन है इट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, सपोज हम 16 एम्पियर वाला है एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने फ्यूज इंस्टॉल करा हुआ है जिसकी रेटेड वैल्यू 16 एम्पियर। अब जैसे ही करंट 16.1 एम्पियर या 16.01 एम्पियर होएगा वो अपनी जो उसके अंदर वो जो मेटल प्रेजेंट है उस वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 16 एम्पियर को करंट पे जितना टेम्परेचर वो हैंडल कर सकता है वो हैंडल करेगा,
बट जैसे ही 16.01 एम्पीयर या 16.1 एम्पीयर करंट उसमें पास होना शुरू होएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी, तो जो वो वायर वेल्ट हो जाएगी और सर्किट को कट कर देगी। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है फ्यूज काम करने का। तो इसमें हमें जो एक्सेसिव करंट है उसके कारण जो एक्सेसिव हीटिंग हुई है, एक्सेसिव हीटिंग होने के कारण जो हमारा टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस करे, उस वजह से हमारा फ्यूज काम करता है और कनेक्शन को कट कर देता है। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है फ्यूज को काम करने का। और ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे फ्यूज में अंदर फ्यूज एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो फ्यूज को मेल्ट होने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट लग जाएगा और हमारी जो आगे डिवाइसेज है वो मोर अमाउंट ऑफ करंट हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो डैमेज हो जाएंगे, तो फ्यूज लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फ्यूज जो हमारा बेसिकली बना होता है वो जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर की मटेरियल से बना होता है। देन आफ्टर वी सी द फंक्शंस ऑफ फ्यूज। फ्यूज का फंक्शन क्या है कि एक बैरियर की तरह काम करता है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, कि उसके बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है, या कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बैरियर का काम करता है कि एक्सेसिव करंट आ गया तो कोई ह्यूमन एक डिवाइस को ऑपरेट कर रहा है तो वो एक्सेसिव करंट आने के कारण वो ह्यूमन बॉडी को भी कॉन्टैक्ट में आने के कारण उसको शॉक लग सकता है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए इट एक्ट्स एज अ बैरियर। देन आफ्टर इट प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन केस ऑफ ओवर करंट सिचुएशन। तो ओवर करंट सिचुएशन में भी हमारा जो फ्यूज कट होकर हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज हमारे प्रोटेक्ट डैमेज हो जाएंगे, हमारी मोटर वाइंडिंग्स जल जाएंगी या कोई और एलिमेंट डैमेज हो जाएगा जिसके कारण हमें पूरा वो डिवाइस रिप्लेस करना पड़ सकता है। ओवरलोड ऑफ करंट व्हेन टू मेनी एप्लीकेशंस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल सर्किट इट लीड्स टू ओवरलोड व्हिच रिक्वायर्स अ फ्यूज टू टर्मिनेट द सर्किट कनेक्शन। यही जो है एग्जांपल हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा था एक्सटेंशन बॉक्स वाला। सपोज चार हमारे कनेक्शन है एक्सटेंशन बॉक्स में, उसमें हमने चार डिवाइसेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अटैच कर रखे हैं, बट ये जो चार डिवाइसेज हैं चार हैवी डिवाइसेज हमने कनेक्ट कर दिए एक्सटेंशन बोर्ड में, जिसके कारण ओवरलोडिंग होगी एंड ड्यू टू ओवरलोडिंग वी गेट मोर करंट इन द सर्किट एंड ड्यू टू दैट ओवर करंट द फ्यूज विल कम इन टू एक्शन एंड कट द कनेक्शन फ्रॉम द सप्लाई टू द डिवाइस एंड, जिसके कारण हमारे सारे डिवाइसेज बच जाएंगे। अगर आप इसमें देखें डायग्राम में तो नॉर्मल ऑपरेशन में फ्यूज विल रिमेन इंटैक्ट, द लोड इज देयर, स्विच इज देयर, सप्लाई इज देयर एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लोड। देर आफ्टर सपोज अ शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस। अब शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस होएगा तो हमारा रेजिस्टेंस एकदम से कम हो जाएगा, पहले तो कुछ लोड का रेजिस्टेंस था जिसके कारण करंट की वैल्यू कम थी, अब जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये लोड कट ऑफ हो जाएगा, ये लोड कट ऑफ हो गया तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा जिसके कारण अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगा, ये दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज, ओवर करंट सिचुएशन, फ्यूज मस्ट बी ब्लोन तो ताकि वो आगे जो डिवाइस है वो उसको डैमेज ना हो, तो फ्यूज हमारा ब्लोन हो जाएगा ओवर करंट सिचुएशन में, तो जैसे हमारा फ्यूज काम कर देगा। तो दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ द फ्यूज। अब देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। अब सर्किट ब्रेकर भी एक फ्यूज की तरह ही है, उसका काम भी प्रोटेक्ट करना ही है डिवाइसेस को, बट इट इज अ वे मोर एफिशिएंट एंड अ बेटर डिवाइस देन अ फ्यूज। ठीक है, तो ये एक स्विचिंग डिवाइस होते हैं एक स्विच की तरह, जैसे MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम कहते हैं आपके घरों में इंस्टॉल्ड होते हैं, उसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं मीटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। तो ये जो हम मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से हमारे काम करती है सर्किट ब्रेकर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इन द केस ऑफ ओवर करंट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और एनी फॉल्ट सिचुएशन। तो ये हमारा ज़्यादा रिलायबल और मोर एफिशिएंट डिवाइस है फ्यूज से, ये एक मेजर डिफरेंस भी है दोनों के बीच में। तो ये एक हमारा स्विचिंग डिवाइस हो गया, उसको मैनुअली हम काम कर सकते हैं, ऑन ऑफ मैनुअली हम कर सकते हैं ऑन और विल, जब हमें लगे कि करंट ज़्यादा आ रहा है या कोई वोल्टेज डिम हो रही है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रही है, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई डिवाइस डैमेज हो तो हम मैनुअली क्रॉस कर उसको ऑफ कर सकते हैं। इन केस एनी शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस, इन केस एनी फॉल्ट टेक्स प्लेस, the miniature circuit breaker will automatically cut the supply from the supply side to the load side। तो इस तरह से circuit breaker हमारे काम करते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत हम समझ चुके हैं पहले ही, short circuit situation या fault situation में इतना ज़्यादा high current, suppose 10 ampere आपका nominal current supply है, fault situation में it can may lead to 10 times, that is 100 amperes, and that 100 amperes current is very very dangerous for human body and the electrical appliances as well. It may damage, it will completely damage the electrical appliances, and if you are in contact with any electrical appliance, you will also feel electrical shock, and that can be a very severe electrical shock, and that can lead to very
सीवियर सर्कमस्टांसेस, तो उसको अवॉइड करने के लिए सर्किट ब्रेकर हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये जो है उसको, उस डैमेज को परमानेंटली क्लोज करने के लिए सर्किट ब्रेकर को सर्किट में लगाना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। और ये हम समझ चुके हैं कि फॉर सेविंग द स्पीसीज ऑफ इक्विपमेंट एंड द पावर नेटवर्क्स, द फॉल्ट करंट शुड बी क्लियर फ्रॉम द सिस्टम एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फॉल्ट आया, फॉल्ट का टाइम बहुत ही छोटा होता है, मे बी 10 to 20 seconds के लिए फॉल्ट आए, या सपोज 1 minute के लिए फॉल्ट आए, 1 minute का फॉल्ट बहुत ज्यादा लंबा फॉल्ट हो जाता है। उसके अंदर क्या है कि सर्किट ब्रेकर को दो काम करने हैं, फॉल्ट को रिमूव करने, फॉल्ट को जब फॉल्ट आया सर्किट ओपन करना है ताकि करंट आगे ना जाए, जैसे ही फॉल्ट गया सर्किट को रीस्टोर करना है ताकि हमारा जो डिवाइसेस काम कर रहे थे वो इमीडिएटली उसी स्टेट में दोबारा काम करने लग जाए। तो दीज आर द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ सर्किट ब्रेकर, उसको सर्किट तोड़ना भी है, उसको सर्किट रीस्टोर भी करना है, तो ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो सर्किट ब्रेकर हमारा इस वे से भी एक मच रिलायबल सब्सटेंस बन जाता है फ्यूज से। फ्यूज में क्या है, फ्यूज वायर आपकी बदल टूट गई तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा या रीवायर करना पड़ेगा, बट सर्किट ब्रेकर में बाय चांस वो सर्किट आपका रीस्टोर नहीं कर पाए तो आप मैनुअली उसको ऑन कर दीजिए, वो रीस्टोर हो जाएगा। तो दिस इज द मोर रिलायबल ऑपरेशन देन द फ्यूज, ठीक है। तो फॉल्ट जैसे जला, जैसे नॉर्मल वर्किंग कंडीशन आई, उसको रीस्टोर करना है सप्लाई कनेक्शंस को। तो दो काम कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट करना है और रीकनेक्ट करना है पावर सिस्टम को इन द केस ऑफ एनी ओवरकरंट, इन द केस ऑफ एनी ओवरलोड, इन द केस ऑफ एनी फॉल्ट और इन द केस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स कितने होते हैं। चार टाइप्स के हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब आप कहोगे भैया ये चार तरह के सर्किट ब्रेकर क्यों हैं, और ये चारों में ये ऑयल, एयर, SF6, वैक्यूम, इनका क्या काम आ गया। अब जब फ्यूज थे उसमें हमने एक पॉइंट मेंशन करा था कि उसकी वायर नॉन कंबसिबल होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई फायर या कोई आग आने वाला सीन नहीं होना चाहिए। बट जब हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में, इसके दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो हमारे इंटैक्ट पोजीशन में होते हैं, दोनों कनेक्टेड होते हैं, अब जिसको ऑन करना है तो उनको दोनों को हमें अलग करना पड़ेगा। तब जब हमें वो कॉन्टैक्ट तोड़ना है, तो जब वो कॉन्टैक्ट टूटता है, वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है एक तरह से, हम सर्किट ब्रेकर में सारा मैग्नेटिज्म है, वो अगली स्लाइड पे हम पढ़ेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो उसको हमें तोड़ना है, तो जब वो हमारा कॉन्टैक्ट टूटता है तो इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में एक आर्क जनरेट होती है, मतलब फायर जनरेट होती है। तो उस आर्क को बुझाने के लिए, उस आर्क को बुझाने के लिए ताकि वो डैमेज ना करे सर्किट ब्रेकर को या आगे वाले कोई भी अप्लायंस को, तो उस आर्क को बचाने के लिए यह हमारे मीडियम्स यूज करे जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स में। फर्स्ट इज ऑयल, जब वो ऑयल में डाल देते हैं उस सर्किट ब्रेकर को, तो वो जो आर्क जनरेट होती है, तो ऑयल की कूलनेस से वो आग को हम बुझाते हैं, उस आर्क को हम खत्म करते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में क्या है, जैसे इस वाले आप डायग्राम में देखिए, एयर शूट्स प्रेजेंट है, ये एयर शूट्स के थ्रू एयर पंप करी जाती है उसके अंदर कि वो आर्क को जल्दी से जल्दी बुझा दे। SF6 में क्या है कि जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स है उसको SF6 गैस के एनवायरमेंट में रखा जाता है ताकि वो उसमें जो आर्क है उसको खत्म कर दे। एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो हमारी आग है वो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम, हाई प्रेशर पे उसको डालते हैं, वो आग जल्दी से जल्दी बुझ जाती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के केस में। इसकी वर्किंग आप आने वाले एक अलग लेक्चर में ओएल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की वर्किंग को हम समझेंगे। तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए कि ये कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक ऑयल, आर्क, जो आर्क प्रोड्यूस होगी, ये जो आप दो ब्लैक कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं ये नॉर्मली इंटैक्ट होते हैं, जब फॉल्ट आया तो हमें इनको अलग करना है। तो जब अलग करना है तो आप बीच में देखेंगे फायर आर्क प्रोड्यूस होगी क्योंकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट्स है, इसको हमें अलग करेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अलग होंगे, इनके बीच में स्पार्क्स जनरेट होंगे, स्पार्क्स जनरेट होने के कारण आर्क जनरेट होगी, उसको आर्क जनरेट कर जो हुई है उसको बुझाने के लिए हम इसके अंदर ऑयल डाल रखे हैं, वो ऑयल के कूलनेस इफेक्ट से वो आर्क बुझा देंगे। तो जैसे ही हमारा फॉल्ट फॉल्ट जाएगा तो हमें सिस्टम रिस्टोर कर देंगे, दोबारा सिस्टम को ऐसे इंटैक्ट कर देंगे। सिमिलरली इन एयर सर्किट ब्रेकर, हमारे जो एयर शूट्स हैं उसके थ्रू एयर पंप करी जाती है जिसके कारण हमारी आर्क बुझ जाती है और हमारा जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आती इंटैक्ट कर दिए जाते हैं हमारे पॉइंट्स दोबारा से। Now we see the working of circuit breakers. तो एक बार लिए मैं सारी आपके लिए रीड आउट करके दिखा रहा हूँ कि सर्किट ब्रेकर मेनली कंसिस्ट ऑफ टू फिक्स पॉइंट्स। हमने जो टू फिक्स पॉइंट देखे थे जो नॉर्मली हमारे कॉन्टैक्ट रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, एंड टू मूविंग कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब एक तो हमारे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स हो गए, ले वाले अगर हम पिछली स्लाइड रेफर करें तो ये तो हमारे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो गए, और ले वाला एंड ले वाला हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट्स हो गए, ठीक है।
तो ये वाले जो ऐसे मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट इंटैक्ट रहते हैं, और जो फॉल्ट आते हैं उनको अलग करना होता है। ठीक, अब फिजिकली कनेक्टेड है, मैकेनिकल प्रेशर इनके ऊपर लगाया होता है कि हम इसको मूव नहीं करते। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो ये वाला जो है इसमें से एक मूविंग कॉन्टैक्ट होएगा आपका, एक हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट होएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अलग करेंगे जब उसमें फॉल्ट आएगा। तो इसके वैसे इसके 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 थ्रू अगर हम समझे तो सी टी मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट कमिंग थ्रू दी सर्किट। अगर इन केस यहाँ पे ओवर करंट आ गया, ओवर करंट आ गया, द सी टी विल चार्ज दिस रिले कॉयल। अब जो ये रिले कॉयल है इंटैक्ट हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जो ट्रिप कॉयल है सर्किट ब्रेकर की, ये जो प्लंजर लगा हुआ है उसको खींच लेगी। अगर इसको हम आम और आसान भाषा में समझें तो सपोज ऐसे आपका सर्किट ब्रेकर है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, ये जो हमारा प्लंजर है, प्लंजर जिसको हम कहते हैं, उसमें स्प्रिंग होता है। अब स्प्रिंग इस तरह से डिजाइन करा होता है कि मान लीजिए आप 16 एम्पियर सर्किट ब्रेकर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वो दैट स्प्रिंग कैन हैंडल 16 एम्पियर ऑफ करंट विद मेकिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। तो 16 एम्पियर की जो करंट उसमें पास हो रहा है तो उसमें मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट हमारे इंटैक्ट रह सकते हैं, इस तरह से वो स्प्रिंग डिजाइन करा जाता है। बट वेन द करंट एक्सीड्स द 16 एम्पियर, तो उसके जो स्प्रिंग के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो एक्सीड कर जाएगी, तो उसके कारण जो प्लंजर है वो पुल होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा तो ऊपर एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे होता है हमारा, तो उसकी तरफ वो प्लंजर है हमारा वो मूव होना शुरू हो जाएगा, और मैग्नेटिज्म के कारण उसकी तरफ ऐसे आके चिपक जाएगा। वो जैसे इसके आगे ऐसे चिपक जाएगा तो ये वाला कॉन्टैक्ट हमारा ओपन हो गया, इधर एक आर्क जनरेट होगी, वो मीडियम के हिसाब से हमारी आर्क बुझ जाएगी, और जैसे ही हमारा फॉल्ट रिमूव होएगा इसमें से करंट कम हो जाएगा, प्लंजर में से करंट कम होएगा, मैग्नेटिज्म कम होएगी, ये वाला मैग्नेट का कांटेक्ट छोड़ के इसके वाले मैग्नेट के ऊपर दोबारा आके चिपक जाएगा, तो वो हमारे कांटेक्ट रीस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा रीड आउट कर रहा हूँ आपके लिए। तो दिस टू कॉन्टैक्ट्स आर फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू अप्लाइड मैकेनिकल प्रेशर टू द मूविंग कॉन्टैक्ट्स। देयर इज एन अरेंजमेंट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ सर्किट ब्रेकर व्हिच इज रिलीज इफ द स्विचिंग सिग्नल इज गिवन टू द ब्रेकर। वही मैं कह रहा था कि जो आपके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है करंट के अंदर, जो जो रेटेड करंट आने के कारण स्प्रिंग के अंदर है, वो स्टोर रहती है हमेशा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर इन द सर्किट ब्रेकर बाई डिफरेंट वेज, लाइक बाई डिफॉर्मिंग मेटल स्प्रिंग। बाई मेटल स्प्रिंग के बारे में बताया, वो आगे और भी मेथड होते हैं, बट मेटल स्प्रिंग वाला मेथड इज द बेस्ट। वट एवर द सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट मस्ट बी रिलीज ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के कारण जब इसमें मेटल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो पिछले वाले मैग्नेट की तरफ मूव करना ही चाहिए। ठीक है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी मेक्स द स्लाइडिंग ऑफ द मूविंग कॉन्टैक्ट इन अ स्पीडी मैनर, वो तेजी से होना चाहिए पूरा। ऑल द सर्किट ब्रेकर है ऑपरेटिंग कॉइल्स, ये वाली ऑपरेटिंग कॉइल होती है जिसके अंदर वो पुल करती है उसको, प्लंजर को, क्योंकि पुल कर रही है अपनी तरफ, दैट इज द ऑपरेटिंग कॉइल। दिस ऑपरेटिंग कॉइल प्लंजर इज टिपिकली अटैच्ड टू द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर। एज अ रिजल्ट द मैकेनिकली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द ब्रेकर मैकेनिज्म इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कनेटिक एनर्जी। कनेटिक एनर्जी वो मोशन जो हो रहा है हमारा प्लंजर का, दैट इज कनेटिक एनर्जी विच मेक्स द मूविंग कॉन्टैक्ट टू दीज मूव, एज दिस मूविंग कॉन्टैक्ट मैकेनिकली अटैच टू अ ग्रेयर लेवल अरेंजमेंट विद द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। आफ्टर द साइकिल ऑफ ऑपरेशन टोटल एनर्जी रिस्टोर्ड इज रिलीज एंड कनेक्शन गेट रिस्टोर्ड। तो बेसिक फंडा क्या है हमारा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमारा फिक्स है जिसकी तरफ मुझे प्लंजर जाके हमारा चिपकेगा। प्लंजर के अंदर एक स्प्रिंग है जिस जो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है। दैट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर। तो उसके अंदर कितने करंट की रेटिंग है उसको हैंडल करने के लिए वो प्लंजर है। मान लीजिए 16 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इतनी हैंडल में कॉन्टैक्ट को इंटैक्ट रख सकते हैं। जैसे ही हमारा करंट 16 एम्पियर को क्रॉस करेगा, सपोज 16.1 एम्पियर आया, इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड देन एट दैट टाइम दिस ऑपरेटिंग कॉयल, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट था, दिस ऑपरेटिंग कॉइल विल ट्राई टू पुल दिस प्लंजर। अब ये प्लंजर हमारा धीरे धीरे पुल होके, स्टार्टिंग में धीरे धीरे पुल होएगा, फिर एकदम से मैग्नेटिक पावर और बढ़ जाएगी, तो एकदम से तेजी से पुल होके इस वाले कॉन्टैक्ट पैकेज बढ़ जाएगा। अब जैसे करंट कम होएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये इस वाले कॉन्टैक्ट को छोड़ के अपने नॉर्मल कॉन्टैक्ट पे आके वापस चिपक जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर। नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्यूज एंड द सर्किट ब्रेकर। अब फ्यूज का सिंबल आप देखिए, ये दो कॉन्टैक्ट्स, बीच में फ्यूज वायर। सर्किट ब्रेकर का देखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट्स और इसमें ये वायर, इसको हम ओपन क्लोज कर सकते हैं ऐसे। कंस्ट्रक्शन, अब फ्यूज क्यों है जिसमें मेटल लगा होता है, जेट मेल्ट, जो मेल्ट होता है हमारा ओवर हीटिंग के कारण, जो जब ओवर करंट सिचुएशन आती है। सर्किट ब्रेकर हमारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच है जिसमें हम मैग्नेटिज्म यूज कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ करंट हमारा एक रेटेड करंट को एक्सीड करेगा, तो मैग्नेटिज्म के कारण उसके कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे एंड मैग्नेटिज्म के कारण ही उसके कॉन्टैक्ट्स रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट उसकी रेटिंग्स के ऊपर। देन फंक्शन, फंक्शन दोनों का सेम है, बट
इसकी जो फंक्शनैलिटी सर्किट ब्रेकर की इंक्रीज हो जाती है। अब जो फ्यूज की फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ इंटरप्ट करना है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, करंट ज्यादा है उसको फ्यूज टूट जाएगा, इंटरप्शन डन। अब जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसके काम इंटरप्शन का है बट नॉट इन द केस ऑफ फॉल्ट ओनली। हमें नॉर्मली अगर सप्लाई ऑन ऑफ करनी है इन एनी केस, कोई फॉल्ट नहीं आया, हमें सिर्फ सप्लाई ऑफ करनी है, हम सर्किट ब्रेकर के ऑफ करके सप्लाई ऑफ कर सकते हैं। वो फ्यूज में सिस्टम नहीं है, फ्यूज में वो वाला सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें मैनुअल प्रोसेसेस भी हैं हमारे पास कि हम उसको ऑफ कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक प्रोसेस तो परफॉर्म होएगा जब हमारा ओवरकरंट होएगा या फॉल्ट आएगा या हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्यूज का सिर्फ ऑटोमेटिक प्रोसेस, सर्किट ब्रेकर का मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों। अब जो फ्यूज की ऑपरेटिंग टाइम है दैट इज बेटर देन सर्किट ब्रेकर। बेटर इसलिए जैसी करंट ज्यादा आया हीटिंग इफेक्ट बढ़ा, वायर ने ब्लोन आउट हो जाना है तो वो जल्दी से जल्दी हो जाती है। बट सर्किट ब्रेकर में क्या है, वो जो स्प्रिंग के अंदर करंट आ रहा है उसने करंट के उसके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, वो धीरे धीरे होएगी, फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगी और प्लंजर पुल होएगा, तो उसके थोड़ा प्रोसेस टाइम लग जाता है रेदर देन द फ्यूज की ओवरहीटिंग होने में। तो दिस इज द डिफरेंस। द वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल जो फ्यूज का है हमारा वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट है, आई स्क्वायर टी प्रिंसिपल पे काम करती है। सर्किट ब्रेकर का हमारा सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है कि करंट ज्यादा आया तो प्लंजर पुल करना है, जब करंट हमारा नॉर्मल स्टेट में आ गया तो प्लंजर उसको छोड़ के हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट पे दोबारा जाके चिपका लेना है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हमारी ओवरलोड या ओवर करंट्स के फ्यूज की सिचुएशन में, एंड ब्रेकर में तो भाई साहब कोई मर्जी सिचुएशन दे दीजिए इसको, ओवरलोड, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और एनी टाइप ऑफ फॉल्ट, इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट योर सर्किट। ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज की काफ़ी कम होती है क्योंकि फ्यूज वायर बहुत ही हल्के मटेरियल की होती है, उसको ज़्यादा देर हैंडल नहीं कर पाती। सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत ही होती है, इस पर काफ़ी हाई टाइप ऑफ लोड भी आप लगा सकते हो सर्किट ब्रेकर के थ्रू उसको बचाने के लिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एजिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि टाइम पड़ने के साथ, मतलब टाइम जैसे हमारा राइज होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो एजिंग इफेक्ट के कारण फ्यूज की क्वालिटी डिटेरियरेट होती रहती है। बट इलेक्ट्रोमैकेनिकल है हमारा जो सर्किट ब्रेकर, दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उस पर एजिंग का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व डज नॉट शिफ्ट विद टाइम। रिप्लेसमेंट फ्यूज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, एक बार उसका ऑपरेशन हो गया तो फ्यूज वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा या पूरे ही फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ेगा। जो हमारा कार्ट्रिज टाइप फ्यूज होता है इतना छोटा सा, उसको हमें पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। जो हमारे रीवायरेबल फ्यूजेस होते थे उसमें फ्यूज वायर को पुरानी को निकाल के हम नई वायर डाल के उसको प्लग कर देते थे और हमारा सर्किट रिस्टोर हो जाता था। जब सर्किट ब्रेकर है उसमें मैनुअल ऑपरेशन में कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर होगा नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन। अगर नहीं हो पाया तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा, बट ऑटोमेटिकली रिस्टोरेशन हो जाता है। After come the switching operation, fuse को हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते, सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट फ्यूज की काफी कम होती है सर्किट ब्रेकर की, इफ वी कंपेयर विद फ्यूज तो काफी ज्यादा होती है। फ्यूज तो भाई 2 रुपए का भी आ जाएगा, 3 रुपए का भी आ जाएगा, कोई ज्यादा हैवी क्वालिटी मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी का फ्यूज ले रहे हो तो 10-20 रुपए का आ जाएगा। बट जो सर्किट ब्रेकर है वो आपका एटमोस्ट लगा लीजिए एटलीस्ट आपका 100 रुपए का आएगा, तो फर्क बहुत है कॉस्ट के अंदर। बट फंक्शन दोनों के सेम है, बट जो फंक्शनैलिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर है दैट इज वे मोर देन दिस फ्यूज। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजेस इज लिमिटेड टू लो करंट ऑपरेशंस सच एज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि आपको यूपीएस में यूज करते हैं हम, या हमारे स्विच बोर्ड्स हो गए उसमें, और होम वायरिंग में भी हमारे फ्यूजेस यूज होते हैं। बट जो सर्किट ब्रेकर है वो हाई करंट डिवाइसेज हैं, उसको हम ज्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पसेज के लिए यूज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर्स में यूज होते हैं, हमारे मोटर्स में यूज होते हैं, या किसी आप इंडस्ट्री विजिट करिए तो वहाँ पे बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर्स प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में एयर सर्किट ब्रेकर्स या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स यूज करे जाते हैं, ट्रांसफार्मर के केस में वी विल यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर। थेरेफ्टर वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूज ओवर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज के एडवांटेजेस क्या है सर्किट ब्रेकर के ऊपर, इट इज ऑफ लो कॉस्ट और ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा है। सर्किट ब्रेकर का क्या एडवांटेज है फ्यूज के ऊपर, कि इसको हमें मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ता, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, एजिंग इफेक्ट से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो और इसका जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल है और ड्यूरेबल है। तो दीज आर दी डिफरेंसेस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर ओवर ईच अदर। वी आर एट द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक एंड नाउ द क्वेश्चंस आर लेफ्ट। फ्यूज हमारा प्रोटेक्टेबल डिवाइस, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो ओवरकरंट की सिचुएशन से हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल आई स्क्वायर टी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट हमारा फंक्शन है, जैसे ही प्रिस्क्राइब करंट को क्रॉस करते हैं वो वायर ब्लॉन आउट हो जाती है हीटिंग इफेक्ट के कारण। कैरेक्टरिस्टिक्स, रेटेड सर्किट देख, रेटेड वोल्टेज देखनी है, आई स्क्वायर टी कर्व देखना है,
सर्किट रेटिंग देखनी है, सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी देखनी है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ अ फ्यूज, फंक्शन इंटरप्ट करना है, बैरियर की तरह काम करते हैं सप्लाई और ह्यूमन बॉडी के अंदर, या प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। सर्किट ब्रेकर एक हमारा स्विचिंग डिवाइस है जो हमारा ओवरलोडिंग, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट की सिचुएशन में सर्किट डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर चार, ऑयल, एयर, SF6, वैक्यूम। वर्किंग प्रिंसिपल वो प्लंजर वाला पूरा सिस्टम जो अभी हम एक्सप्लेन करके आए हैं। डिफरेंसेस और फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर अभी हमने डिटेल में डिस्कस करें लास्ट स्लाइड में। थैंक यू टू लिसनिंग टू मी इन दिस टॉपिक। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल जिंदल ऐसे ही आपके साथ बना रहूंगा, ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स आपके लिए लेके आता रहूंगा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इलेक्ट्रिकल फीवर को, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम नॉलेजेबल कॉन्टेक्ट बाकी लोगों के पास भी पहुँचा पाएँ। और अगर आपको कोई सजेशन है, आपको कोई हमारी कमी लग रही है हमारे लेक्चर्स में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 हमें बताएं। और आपका कोई टॉपिक, आपका मनपसंद टॉपिक जो आप हमें देना चाहते हैं, हम आप वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करें। विल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ द टॉपिक एंड ट्राई टू रिप्रेजेंट टू यू इन अ वेरी efficient or any in a very detailed manner. Thank you and stay tuned with me. I will be back on next Saturday, and keep supporting. Thank you.